मिडिल एजुकेशन के एक धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। एमपी बोर्ड हर साल बहुत सारे प्रश्न को रिपीट करता है, उन्हीं में से एक ऐसा प्रश्न जो कि आपके त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा में देखने को मिलता है, वो है महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर। ये 4 नंबर का प्रश्न है और 4 नंबर के प्रश्न में आपको 4 अंतर ही लिखना है, लेकिन मिडिल एजुकेशन आपके सामने 6 अंतर दिखाएगा बल्कि समझाएगा भी। देखो यहां पर लिखा है महाकाव्य और खंडकाव्य। एक बात बताइए, आप क्या समझते हैं महाकाव्य का मतलब? अगर आप समझते हैं कि जीवन का समग्र चित्रण हो, मतलब अगर कोई व्यक्ति का जन्म से लेकर के मृत्यु तक का वर्णन किया जाता है, उसे कहते हैं महाकाव्य। अगर आप ऐसा समझते हैं तो बिल्कुल सही है, क्योंकि महाकाव्य का मतलब ही होता है कि किसी व्यक्ति का जन्म से लेकर के मृत्यु तक का वर्णन हो, वही महाकाव्य कहलाता है। और खंड काव्य का मतलब होता है किसी व्यक्ति का आंशिक चित्रण हो। जैसे सपोज करो कि तुम मिडिल एजुकेशन को पिछले 2 साल जानते हो, तो अगर कोई बोले तुम मिडिल एजुकेशन के बारे में लिखो, तो तुम केवल 2 साल की बातें ही लिख पाओगे, राइट ना? लेकिन अगर मेरे घर का कोई व्यक्ति है, मेरे बड़े भैया हो गए, मेरी बड़ी दीदी हो गई, मेरे माता या पिता, अगर उनको बोले कि तुम मिडिल एजुकेशन के बारे में लिखो, तो वो तो मुझे पाले पोसे हैं, मुझे तो जन्म जानते हैं, तो जन्म से लेकर के मेरे मृत्यु तक की कहानी लिख पाएंगे, वही कहलाता है महाकाव्य। मैं उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे उससे अब लिंक करने का प्रयास करते हैं। पहला नंबर कहता है महाकाव्य में संपूर्ण जीवन दर्शन वर्णित होता है। मतलब वही बात कहा गया है कि महाकाव्य में जीवन का समग्र चित्रण होता है, संपूर्ण जीवन दिखाते हैं, लेकिन खंड काव्य में किसी एक घटना का वर्णन होता है, जैसे कि मैंने आपसे अभी उल्लेख किया। नेक्स्ट ये होता है, अब एक बात बताओ यार, जब जीवन का समग्र चित्रण मैं कोई भी किताब में किसी व्यक्ति के जीवन का समग्र चित्रण करूं तो किताब डेफिनेटली मोटा हो जाएगा, लेकिन अगर किसी खंड का चित्रण करें तो पतला होगा। तो वही कह रहा है कि इसका आकार काफी बड़ा होता है और इसका आकार बहुत छोटा होता है। अब एक बात बताओ, आकार बड़ा होगा तो हमारे जीवन की कई सारी घटनाओं का उल्लेख करेगा। जैसे अगर मैंने कक्षा 10वीं में पास हुआ तो, फेल हुआ तो, वो लिखेंगे। 11वीं में कैसा रिजल्ट रहा वो लिखेंगे। हर एक चीज को लिखेंगे तो इसमें मेरे कई सारे कैरेक्टर दिखेंगे। कभी मैं गुस्सा भी किया होगा जीवन में, कभी मैं किसी से प्रेम भी किया होगा, कभी मैं किसी से लड़ाई भी किया होगा, कभी गाली भी दिया होगा, तो कभी बहुत अच्छे स्वर से बात किया होगा, लिखा जाएगा ना। इसीलिए कहते हैं कि इसमें 8 सर्ग होते हैं, मतलब इसमें सर्गों की संख्या अधिक होती है और इसमें 8 से कम सर्ग होते हैं, मतलब सर्गों की संख्या कम होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 4th पॉइंट, महाकाव्य में कथा वस्तु व्यापक होता है। डेफिनेटली व्यापक होगा क्योंकि समग्र वर्णन कर रहा है भाई, जीवन का जन्म से लेकर मृत्यु तक, तो व्यापक मतलब बड़ा होगा। लेकिन खंड काव्य जो होता है वो सीमित होता है, छोटा होता है, 2-4 पेज का होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब एक बात बताओ बेटा, जब किसी व्यक्ति के जीवन का समग्र चित्रण हो तो इनकी रचना में कई सारे छंद आएंगे, कई सारे रसों का प्रयोग होगा, है ना। जैसे आपका वीर रस हो गया, कभी कभी मैं बहुत जोश के साथ भर जाता हूँ कि तलवार लेकर किसी को मारने निकल गया, किसी को मारने मतलब मैं आपको एग्जाम्पल तौर पर समझा रहा हूँ, है ना। कभी कभी मैं प्रेम में मोहित हो गया तो श्रृंगार प्रधान वर्णन हो गया। कभी कभी किसी ने जोक मार दिया तो मैंने हंस पड़ा तो हास्य रस का वर्णन हो गया। कभी कभी मैंने सांप देख करके भयभीत हो गया तो वहां पर आपका विभत्स रस हो गया, ठीक। तो इस प्रकार से आपके महाकाव्य में कई सारे रस और छंदों का प्रयोग होता है, लेकिन खंड काव्य में एक ही रस या एक ही छंद का प्रयोग होता है। हम आपके सामने एग्जाम्पल भी रखेंगे, जैसे कुछ महाकाव्य हो गया रामचरितमानस, जिसके रचयिता तुलसीदास जी हैं, इसमें भगवान राम के जन्म से लेकर के मृत्यु तक का वर्णन किया गया है। कामयानी, जिसकी रचना जयशंकर प्रसाद है, ये 1 नंबर का प्रश्न भी एमपी बोर्ड पूछता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, आपका खंड काव्य में मेघदूत, जिसकी रचना कालिदास ने किया है, ये एक खंड काव्य है, और पंचवटी, जिसके रचनाकार मैथिली शरण गुप्त है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और एमपी बोर्ड का पसंदीदा प्रश्न है, हर साल रिपीट करता है एंड डेफिनेटली इस बार भी आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। मैं वीडियो कंड करता हूँ, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें और पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, बाय बाय।